दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रिन्यूड पीसी के बारे में। वो कौन कौन से रिन्यूड पीसी हैं जो इस वक्त अगर डील में मिल रहा है या फिर सेल के दौरान अगर डील में मिल रहा है, बेस्ट प्राइस में मिल रहा है, तो आपको बिल्कुल बेहिचक होकर के बाय कर लेना चाहिए। क्योंकि सिर्फ प्राइस को देख करके, डील को देख करके आप बाय ना करें, क्योंकि डील बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पे डील बहुत अच्छी दिखती है, सस्ता दिखता है, लेकिन वो प्रोडक्ट आपको बाय नहीं करना है, आपको सही प्रोडक्ट बाय करना है। हो सकता है वो आउट ऑफ डेटेड हो, इसीलिए सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ मैं एक और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, सेल के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पर सेल बहुत ही थोड़े समय के लिए आती है, आधे घंटे एक घंटे के लिए आती है, तब तक वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो उन सारे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन हम लोग यूट्यूब पर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, जब तक अपलोड करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तब तक जो है वो डील खत्म हो चुकी रहती है या फिर जो है वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुका रहता है, वो इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाती है। वो जो है उसकी इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास ऐसा करके अफसोस होता है कि हम लोग जो है आप तक पहुंचा नहीं पाए। तो उसको पहुंचाने के लिए हमारी टीम और हम सभी लोग मिलकर के जो है बिल्कुल लाइव रहने वाले हैं फेसबुक पेज पर। फेसबुक पेज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाइए, पेज को लाइक कीजिए और वहां पर लाइव रहिए। कुछ भी आपको बाय करना है आप वहां पर कमेंट करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट के नीचे कमेंट करेंगे, तो उसका बेस्ट लिंक जो है हम लोग अपने अनुभव के हिसाब से आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, जो कि बेहतर प्रोडक्ट आपको मिल सके। और वहां पर पूरे सेल के दौरान हम लाइव रहेंगे और आपको बेहतर लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और खास करके जितनी सारी वीडियोस बन रही है उनके अंदर जितने भी सारे लिंक है वो सारे के सारे अपडेट रहेंगे सेल के दौरान। आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो है आप उस पर क्लिक करके और आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जितने भी सारे लिंक रहेंगे सारे अपडेटेड रहेंगे। इसके अलावा कुछ चाहिए तो आप जाकर के फेसबुक पेज पर जो है कमेंट करें और वहां पर लेटेस्ट लिंक आपको प्रोवाइड होगा। साथ में ही जो भी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे आ रहा है उन सबका इंफॉर्मेशन वहां पर दिया जाएगा, जिससे आपको इंफॉर्मेशन पता लग सके कि इस वक्त बेस्ट लिंक कौन सा हो सकता है, बेस्ट प्रोडक्ट जिस पर सबसे ज्यादा छूट है वो कौन सा हो सकता है और बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। इसीलिए इमीडिएट जाइए और पेज को जो है लाइक कीजिए और वहां पर लाइव मिलिएगा हमसे, हम हर वक्त जो है आपका साथ देंगे। आइए दोस्तों, हम लोग बात कर सकते हैं कौन कौन सा मॉडल हो सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एचपी प्रो डेस्क 600G2 के, जो कि बहुत अच्छा जो है मिनी पीसी है। इसका रिव्यू भी हमने किया हुआ है। इस पीसी के अंदर आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, जो कि और किसी के अंदर नहीं मिलता है, बहुत बड़ी बात है। और ये i3 6 जनरेशन 8GB रैम के साथ में, 256GB SSD के साथ में, इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो ये मात्र 9000 के अंदर अंदर फिलहाल मिल रहा है और ये डील चल रही है। चाहे तो आप अभी भी बाय कर सकते हैं, इससे और डाउन ये नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी रिलीज स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट की बात करें तो मॉडल यही है, इसी के अंदर i5 6 जनरेशन अगर आपको चाहिए 8GB रैम के साथ में और 512GB SSD के साथ में, विंडोज 11 में अपग्रेडेड है, तो आप ये मॉडल ले सकते हैं। प्राइस की बात करें तो ये जो है इस वक्त फिलहाल 12,400 रुपए में आ रहा है। इससे कम में चाहिए तो जो इसमें 512GB SSD है इसी के अंदर जो है 256GB SSD मिल सकती है, वो वर्जन अगर मिल जाए तो आप उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन 512GB के साथ में लेते हैं तो ये वर्जन बहुत अच्छा रह सकता है आपके हर काम के लिए। कि नेक्स्ट मॉडल की अगर हम बात करें तो HP 800G3 के अंदर ही जो है आपको मिलेगा i3 7th जनरेशन में अगर आपको लेना है तो और भी बेहतर हो सकता है, इसकी प्रोसेसिंग और अच्छी हो सकती है और इसके अंदर जो है M.2 NVMe का जो है सपोर्ट मिल जाएगा, जो अपग्रेड अगर आप करते हैं तो यह और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको दे सकती है। i3 7th जनरेशन के साथ में 8GB रैम 240GB SSD के साथ में विंडोज 11 में अपग्रेड है और इसका जो प्राइस है फिलहाल 15,500 रुपए है, थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, हो सकता है कि ये सेल के दौरान और भी नीचे आ जाए तो आप इसको जरूर बाय करें। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आ जाते हैं लेनोवो के अंदर, इसका भी रिव्यू वीडियो मिला हुआ है, HP का भी मॉडल का हमने किया हुआ है, इसका भी कंप्लीट रिव्यू हमने किया हुआ है, चाहे तो चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। लेनोवो का थिंक सेंटर M700 सबसे कम बजट जिनका है, i3 6 जनरेशन के साथ में 8GB रैम 256GB SSD के साथ में ले सकते हैं, जिसका प्राइस 9000 के आसपास रहने वाला है। और इससे डिस्प्ले कनेक्ट करने की बात करें तो 2 से 3 डिस्प्ले कनेक्ट हो सकता है किसी मॉडल में, कभी सेम कॉन्फ़िगरेशन बाय करेंगे तो कभी कभी 3 डिस्प्ले कनेक्टिविटी का सुविधा आपके पास आ जाती है, कभी कभी 2 कनेक्टिविटी की सुविधा आ जाती है, तो ये ध्यान में रखें, ये
क्लियरली मेंशन नहीं होता है। ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है इस मॉडल में कि कितने डिस्प्ले कनेक्ट होंगे, ये आपके लक पर डिपेंड करेगा। हो सकता है 3 कनेक्टिविटी के साथ में आ जाए, हो सकता है 2 कनेक्टिविटी के साथ में आए, ये थोड़ा सा आपके लक पर डिपेंड करेगा। बाकी 9000 में आने वाला एक बेहतरीन पीसी हो सकता है i3 6th जनरेशन के साथ में। बाकी अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो Lenovo ThinkCentre के अंदर ही i5 6th जनरेशन के अंदर 8GB रैम और 512GB SSD के अंदर जो है विंडोज 11 के साथ में अपग्रेडेड है। ये मॉडल जो है आपको पड़ने वाला है मात्र 11900 रुपए फिलहाल प्राइस है। हो सकता है सेल के दौरान और भी कमाए, लेकिन i5 के साथ में है तो दिक्कत नहीं है, अभी भी चाहे तो ले सकते हैं। ये डील में अभी भी चल रहा है क्योंकि ये 12.5 से 13 हजार के आसपास में हमेशा देखा गया है। बाकी नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो Lenovo ThinkCentre के अंदर ही i5 6th जनरेशन 16GB रैम और 256GB SSD के अंदर विंडोज 11 के साथ में अपग्रेडेड है। इसका भी प्राइस जो है इस वक्त 11900 रुपए है। दोनों ही सेम प्राइस है, एक में 512GB SSD है, 8GB रैम है और इसके अंदर 16GB रैम हो जा रही है, 256GB SSD हो जा रही है। थोड़ी सी बड़ी फाइल पे काम करना है तो आप ये वाला मॉडल बाय कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो आ जाते हैं Asus के अंदर। Asus हाई परफॉर्मेंस मिनी पीसी जो कि i7 8th जनरेशन के साथ में है, इसका फुल रिव्यू बिल्कुल खोल करके हमने दिखाया हुआ है। जिसकी रिव्यू की बात कर रहा हूं उसको बिल्कुल भी ओपन करके टेस्टिंग वेस्टिंग हर लेवल से हमने टेस्ट किया हुआ है, चाहे तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ये i7 8th जनरेशन के साथ में है, 8GB रैम DDR4 का है और 512GB SSD है विंडोज 11 के साथ में जो है ये अपग्रेडेड है और इसके अंदर इनबिल्ट जो है वाईफाई आपको मिल रहा है, वाईफाई ब्लूटूथ मिल रहा है। बाकी के जो वर्जन होते हैं उसके अंदर डोंगल अलग से मिलता है। तो ये जो मॉडल है ये इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। इसके अंदर जो है अपग्रेडेशन के बहुत ज्यादा चांस नहीं मिलते हैं क्योंकि इसके अंदर M.2 का एक ही स्लॉट मिलता है, वो SSD निकाल करके आपको दूसरा लगाना होगा। साथ में SATA 3 SSD आती है इसके अंदर, उसको निकाल करके आप M.2 NVMe के साथ में अपग्रेड कर सकते हैं, इसको और भी आप बूस्ट कर सकते हैं। अपग्रेडेशन का सिर्फ एक ही चांस है, रैम अपग्रेड कर सकते हैं और स्टोरेज के अंदर सिर्फ एक ही सुविधा मिलती है जो M.2 को निकाल करके आप दूसरी M.2 NVMe चाहे तो लगा सकते हैं। और इसके प्राइस की बात करें 8GB 512GB के साथ में तो 17,500 रुपए फिलहाल प्राइस है। ये सेल के दौरान और भी कम होगा, फिर लेने में आपके लिए सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें इसी मॉडल के अंदर तो i7 8th जनरेशन के अंदर ही 16GB रैम DDR4 के साथ में 512GB SSD के साथ में चाहिए। पिछला जो था वो 8GB के साथ में था और ये 16GB रैम के साथ में है। इसके प्राइस की बात करें तो फिलहाल 18,500 रुपए में है, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे आप बाय कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही मॉडल जो है ये सेल के दौरान और भी कम होने के चांसेस है, 16,000 रुपए के आसपास पहुंचना चाहिए जो लोअर वर्जन है। बाकी नेक्स्ट की बात करें तो आ जाते हैं Acer के अंदर। जस्ट लाइक जैसा ही Asus है, बस मॉडल चेंज हो जाता है, वो सारी सुविधाएं जो है आपको इस Acer Chromebook के अंदर भी मिलेगा। Chromebox है ये, हाई परफॉर्मेंस मेरी पीसी ये भी है, बिल्कुल सेम। अगर आप Asus का हमारा कंप्लीट अगर वीडियो देखते हैं तो सेम वो जो टेस्ट है वही टेस्ट इस पर भी आने वाला है आपको। सेम i7 8th जनरेशन प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है, 16GB DDR4 रैम लगा हुआ है, 256GB SSD के साथ में विंडोज 11 होम के साथ में ये आने वाला है, वाईफाई के साथ में आएगा, सब कुछ बिल्कुल भी Asus की तरह ही है। इसका प्राइस फिलहाल उसके हिसाब से 1,000 रुपए कम है, इसका प्राइस जो है 16,500 रुपए है, चाहे तो आप बिल्कुल भी बाय कर सकते हैं। इसी के अंदर अगला जो वर्जन है i7 8th जनरेशन के साथ में 16GB DDR4 रैम के साथ में 512GB SSD है, पिछले वाले मॉडल के अंदर 256GB SSD है, इसके अंदर 512GB SSD है और ये आपको पड़ जाएगा 17,000, मात्र 500 रुपए का डिफरेंसेस है। अगर ये डिफरेंसेस रहा तो आप 512GB के साथ ही ले, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा जो है पीसी हो सकता है। लास्ट में चलते हैं डेल के तरफ, तो डेल के अंदर जो है डेल ऑप्टिलक्स 3070 मॉडल है और ये i3 9th जनरेशन के साथ में है। इसके अंदर अपग्रेडेशन भर भर के आपको मिलता है, इसके अंदर SATA SSD आती है, लेकिन इसके साथ में आप M.2 NVMe का भी सपोर्ट पा सकते हैं, हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, सब कुछ इसके अंदर अपग्रेडेबल होता है, बहुत ही बढ़िया सुविधा इसके अंदर आपको मिल जाती है। इसका प्रोसेसर भी आप जो है अपग्रेड कर सकते हैं। काफी लोग कहते हैं कि ये वर्जन मिलता ही नहीं प्रोसेसर का टी वर्जन, लेकिन ऑलरेडी है, Amazon पर है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, चाहे तो आप इसको अभी ले लीजिए और आगे चल करके i5 में भी जो है आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। बाकी 8GB के रैम के साथ में 240GB SSD के साथ में विंडोज 11 प्रो के साथ में आएगा, MS Office भी साथ में है, वाईफाई भी इसके अंदर साथ में इंक्लूडेड आती है और इसके प्राइस की बात करें तो अभी फिलहाल 15,800 रुपए है। सेल के दौरान और भी ये कम हो सकता है, शायद आपको जरूर चेक करना चाहिए। वैसे डेल का ऑप्टिलक्स जो मॉडल है i3 9th जनरेशन और 8th जनरेशन, ये दोनों ही थोड़े से हाई प्राइसेस रहते हैं। बाकी नेक्स्ट की बात करें
करें डेल ऑप्टिलक्स 3070 ही, तो इसके अंदर i3 9 जनरेशन ही 16GB रैम के साथ में 480GB स्टोरेज के साथ में अगर लेना है तो आप ये वाला मॉडल बाय कर सकते हैं। बाकी सारा कुछ वही है। इसके प्राइस की बात करें तो 18,500 रुपए है। इन सबका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ये आपसे लेकर के जो है आपको अगर जिसपे अच्छा प्राइस आपको मिल रहा है तो अभी बाय कर सकते हैं। आपसे लेकर के जो है आप पूरे डील पूरे सेल के दौरान इस सबका जो लिंक है हम लोग अपडेट करते रहेंगे, कभी भी इसको देखिए और इसके लिंक से आप बाय कीजिए। एक बेस्ट लिंक ही उस वक्त मिलेगी जिस पर आपका बेनिफिट हो सकेगा। बाकी जो है आप एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि जाकर के आप फेसबुक पेज को जो है आप लाइक कीजिए, वहां पर हम लोग बेस्ट डील दिलाने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियो मैं लेकर आता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।